हेलो दोस्त, कल शाम को एक न्यूज आया एलपी टेक्नीशियन की रिगार्डिंग में, जिसमें वेटिंग लिस्ट के लिए खुशखबरी हो सकती है। और अच्छा कह सकते हैं, बोर्ड ने डायरेक्ट किया है सभी आरआरबी को कि रिप्लेसमेंट पैनल जारी करने के लिए जितना सीट खाली है उसको किया जाए और डिले नहीं किया जाए, जिसका एक फॉर्मेट दिया है। फॉर्मेट में ही सारी कहानी लिखी हुई है, हालांकि नोटिस भी है। रिप्लेसमेंट आपकी जो अभी पैनल है उसकी डेट भी बढ़ा दिया है, यानी वैलिडिटी भी बढ़ गई है। सारा चीज़ डिटेल है, तो इसको देखिएगा थोड़ा सा। और इससे तो एक चीज़ अगर खुशखबरी एक तरफ कह सकते हैं, तो दूसरे तरह इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। रेलवे अभी न्यू वैकेंसी के प्लान में नहीं है, और न्यू वैकेंसी आएगी भी तो प्रोसेस लंबा होगा। अभी पैनल की वैलिडिटी बढ़ा दिया है वगैरह वगैरह, सब कुछ देखेंगे। तो ये सब लोगों ने शेयर किया है टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे ये लोगों ने शेयर किया है। और डेट भी एकदम बिल्कुल 14/5 का ही था, कल ही का डेट, और कल ही ने लोगों ने शेयर कर लिया। ये उस पर भी मिल जाएगा, आरबीई नंबर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ से भी देख लीजिएगा। लेकिन मेन मकसद इसका है, देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ द एडिशनल रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ वैकेंसी हर जोनल रेलवे को स्टैंड बाई वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट से। और अभी करेंट जो आपका पैनल है उसका ईयर टू ईयर तक एक्सटेंड कर दिया गया है एलपी टेक्नीशियन का, यानी अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। और ख़ास करके एलपी के लिए यहाँ बात कर रहा है, एलपी टेक्नीशियन की तो है, लेकिन टेक्नीशियन का यहाँ देखा जाता है कि पीसीएम टेक्नीशियन का तो खाली हो रहा है, लेकिन आईटीआई टेक्नीशियन में तो लोग पोस्ट ही नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी को इन्होंने खाली नहीं किया है, जबकि उनकी भी होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, जनरल मैनेजर के अप्रूवल से इन्होंने लिया है सारी चीज़ें डिसीजन, उसके बारे में आगे बोल रहा है कि जितनी भी वैकेंसी रिजल्ट है उसके बारे में कर लेंगे। अब एक एक पढ़िएगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं मोटा मोटा, मैं नीचे से ला के दिखा दूंगा कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं, वेटिंग में है, अभी कोई नया वैकेंसी नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें किया हुआ है। तो अभी 19 मई को बोर्ड को डायरेक्शन दिया गया है कि आप अपनी एडिशनल वैकेंसी की डिटेल दे दीजिए। इसमें दिया हुआ है कि एक्सटेंशन फॉर अभी वैलिडिटी ऑफ पैनल को भी है, और एडिशनल वैकेंसी में भी इनेबल फॉर कंसीडरिंग टू रिक्वेस्ट ऑफ दी अपनी डाटा या हिस्टोरिक मैनेजमेंट जो जांचा करके दे जाना है। इसके बाद में चार कारण इन्होंने लिखा है, चारों कारण को आप देख लीजिएगा। फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पैनल डेट ऑफ मेन लिस्ट पैनल, एक पब्लिक एडवाइस टू आरआरबी हु इंडिकेट सर्टिफाई एबिलिटी ऑफ स्टैंड बाई कैंडिडेट दिस कैटेगरी। उसके बाद एएलपी की वैकेंसी का कितना एडवाइस पोजीशन वगैरह है वो सारा हम देख लेंगे एक ही जगह से। ये सारा चीज़ें है, अप्रूवल बाय जनरल मैनेजर है, वैलिडिटी वगैरह के लिए, प्रपोजल के लिए भी, सबके लिए है। ये रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है, यहाँ पे डिटेल देख लेंगे। रेलवे बोर्ड ने इन्होंने सभी आरआरबी को गाइड किया है, यहाँ पे आप देख लेंगे। लेकिन इससे बड़ी चीज़ है ये एनेक्सचर, एनेक्सचर में आप आइएगा तो समझिएगा थोड़ा थोड़ा क्या मांगा है, इससे पता चल जाएगा आपको डिटेल वैकेंसी की क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो बोला है नेम ऑफ कैटेगरी, हर कैटेगरी को यहाँ देना पड़ेगा रेलवे को। जितना कैटेगरी की वैकेंसी थी तो आप जानते हैं 156 तक कैटेगरी थी, हालांकि हर आरआरबी में हर कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी, किसी में थी, किसी में नहीं थी, किसी में एक थी, दो थी वगैरह थी। उस वैकेंसी, उस कैटेगरी के कितनी नोटिफाई वैकेंसी है, जैसे मान लिए कैटेगरी नंबर एक एलपी इलेक्ट्रिकल है, तो इसकी 360 वैकेंसी होगी, मान लिए 360, तो 360 लिखा होगा। पैनल कितना दे दिया गया, 360 में से अगर 356 दिया है तो 356 बताना पड़ेगा, या हो सकता है 360 के अगेंस्ट ज़्यादा दे दिया वो भी बताना पड़ेगा। कैंडिडेट नो ज्वाइंट एंड लेफ्ट आफ्टर ज्वाइनिंग कितने यहाँ पे है, तो बहुत सारे मैं बता दूँ कि बहुत सारे आरआरबी है जो अभी तक एक भी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं डाला है। बहुत सारे आरआरबी ऐसे है कि रिप्लेसमेंट पैनल भी दे दिया, सेकंड डीबी भी आ गई, कई सारी चीज़ें आई, बहुत सारे तो नहीं, एक कह सकते त्रिवेंद्रम, और कई जगह पे तो ऐसा है कि रिप्लेसमेंट पैनल आया है, मॉडरेट है, उसकी भी डिटेल यहाँ से पता चला जाएगा। रिप्लेसमेंट डिमांडेंट फॉर आरआरबी, आरआरबी ने अगर बोर्ड से रिप्लेसमेंट के लिए अप्रूवल के लिए मांगा है वो भी देना है यहाँ पे। रिप्लेसमेंट रिसीव भी, यानी फाइनल भी हो गया है कि आपके हर कैटेगरी में कितने रिप्लेसमेंट अप्रूव हो गया वो भी देना है। एग्जिस्टिंग डीआर वैकेंसी कितनी अभी है, और भी कितने वैकेंसी एग्जिस्टिंग है वो भी देना है। रिप्लेसमेंट प्रपोज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा वैकेंसी है और आपकी उसकी
अलाउ करता है ये टर्म एंड कंडीशन इस वैकेंसी के अगेंस्ट, तो वो भी आपको बताना है। एडिशनली बीइंग प्रपोज यानी इतना अपना है, रिप्लेसमेंट बीइंग प्रपोज है और एडिशनल वैकेंसी भी प्रपोज कर सकते हैं आप, यानी उससे ज़्यादा भी अगर रेलवे को चाहिए कि हमें अभी सेफ्टी कैटेगरी है, इसका ऊपर मैं दिखाऊंगा एक जगह लिखा हुआ है कि सेफ्टी कैटेगरी में अगर और कोई भी ज़रूरत है तो रिप्लेसमेंट इससे डिमांड किया जा सकता है, क्योंकि पैनल बना हुआ है और रिमार्क इसके बारे में देना है। तो इससे तो यही क्लियर होता है कि रेलवे को जो आरआरबी अभी तक कुछ नहीं किया है उनके लिए तो एक डाटा देना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, और इसकी लिस्ट वेबसाइट पे शायद कुछ दिनों बाद आ जाए कि हमने इतना वैकेंसी था, इतने को पैनल किया है। या तो पीआईबी के जरिए आ सकता है या रेलवे के वेबसाइट पे अपडेट होगा कि ये कंडीशन है। तो अभी लग रहा है कि इस कंडीशन के बाद अभी तो 15-20 दिन चलेगा एक्सरसाइज, ऐसे 19 तारीख तक डेट दिया है, लेकिन 15 तारीख के बाद अगर इसमें देखिएगा तो कुछ ना कुछ अपडेट आएगा और कुछ रिप्लेसमेंट पैनल और जारी होगा, क्योंकि इससे ये क्लियर होता है कि बहुत सारे आरआरबी पे, एक तो स्टूडेंटों ने बहुत सारे बोले थे कि कई सारे आरआरबी तो वेटिंग क्लीनिंग किए, उन्होंने कई सारे अपने अपने बात भी रखी, वो सही भी है कि अगर इतने दिन हो गए हैं और वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी अभी है तो वेटिंग लिस्ट तो देनी चाहिए, लेकिन रेलवे कहता है कि जितना तक हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी हम नहीं देंगे, लेकिन कई सारे आरआरबी कहते हैं कि ज़रूरत है लेकिन वेटिंग वाला प्रोसेस नहीं क्लियर करते, वो भी एक क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, मैं एग्जिस्टिंग वैकेंसी की इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई पैनल अभी बचा हुआ है और रेलवे की ज़रूरत है तो अभी जरूरी है, तो एडिशनल वैकेंसी के बारे में भी बता सकता है यहाँ पे, स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से अगर ट्रेन चलानी है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, अगर उस जितनी वैकेंसी थी उसके अलावा भी प्रपोज करता है, प्रपोजल देता है, तो कंसीडर किया जाएगा सेफ्टी ऑपरेशन और वगैरह वगैरह अनफोर्स सिचुएशन इन स्पेशल केस, यानी जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा भी अगर लेना चाहता है तो यहाँ से ले सकता है, इसका इस पैनल का कहने का मतलब है। और टोटल अगर देखें तो एक तरीके से गुड न्यूज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी एलपी टेक्नीशियन की सारी वैकेंसी एकदम बिल्कुल बंद सी हो गई थी, क्योंकि एक तो पैनल की वैलिडिटी थी और दूसरा पैनल की वैलिडिटी के साथ साथ आपका लॉन्ग टाइम हो गया वैकेंसी का, तो बहुत सारे आरआरबी सोच रहे हैं अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बोर्ड ने यहाँ से डायरेक्ट किया है लोगों को, रेलवे बोर्ड ने, ये सभी रेलवे बोर्ड कह दें तो पूरा सभी आरआरबी के कंट्रोलिंग अथॉरिटी से आया है एक सीधा सा प्रपोजल कि आपको अगर अभी ज़रूरत है तो बताइए, तो बताइए। तो सिंपल सी इसका मकसद एक ही है कि अभी भी जो खाली बचे हुए हैं उनको रिप्लेसमेंट पैनल से पूरा किया जाए, और पूरा किया जाएगा तो वो तो क्लियर है, स्टैंड बाई या वेटिंग लिस्ट से ही पूरा किया जा सकता है। नया वैकेंसी तो आने में आएगी, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसमें एक ईयर डेढ़ ईयर कभी तो दो ईयर भी लग जाती है, तो ये वैकेंसी से फिल किया जाए। और इसका मतलब ये है, और जब आप लोग जानते ही हैं कि सेफ्टी की कितनी कैटेगरी हमेशा खाली रहती है, रेलवे भर्ती नहीं है, कभी अप्रूवल नहीं मिलता, कभी प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, एक गुड न्यूज़ है ये, जो कैंडिडेट इसमें अगर अभी वेटिंग लिस्ट में है, खास करके एलपी और टेक्नीशियन के पीसीएम, ये दोनों तीनों एलपी इलेक्ट्रिकल, एलपी मैकेनिकल और पीसीएम टेक्नीशियन के लिए तो एक अच्छी न्यूज़ है, और हो सकता है जल्दी ही आपको डिटेल मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% वेटिंग क्लियर होगा, लेकिन हाँ, ज़्यादातर होने की संभावना है। जब डाटा मांगा जाएगा इस फॉर्मेट में, कितना आपको चाहिए था, कितना भरा, कितना रिप्लेसमेंट दिया, कितना सीट खाली है, तब रेलवे कुछ ना कुछ तो करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।